हिसाब से करना है। तो देखो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, 55 सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बी डब्ल्यू का लेक्चर नंबर 14, मैथ एनालिसिस पे बेस्ड और न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो देखो आपके बोर्ड स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, ये न्यूमेरिकल है जो आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर बाय यूजिंग द मैथ एनालिसिस। फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर बाय यूजिंग द मैथ एनालिसिस। अब अगर अपन बात करते हैं इस न्यूमेरिकल को मैथ से सोल्व करने के लिए, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि मैथ से न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे। फर्स्ट वन आपको ये चेक करना है हाउ मैनी मैथ्स आर देयर, कितनी यहाँ पे मैथ्स आपके पास अवेलेबल है, और हर मैथ्स की आपको क्या देना है, आपको डायरेक्शंस देनी है। तो डायरेक्शंस मैं सब पे दे दूंगा क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हाउ नंबर ऑफ मैथ्स आर देयर, कितनी मैथ्स यहाँ पे अवेलेबल है। बेटा प्लीज म्यूट, मैं कितनी बार म्यूट करूंगा बार बार जाके, पप्पू कुमार है तो प्लीज म्यूट। हाउ मेनी मेस आर देयर, थ्री टोटल नंबर ऑफ मेस, थ्री टोटल नंबर ऑफ मेस, थ्री। अगर आपके पास थ्री मेस है तो मतलब इक्वेशंस कितनी बनेगी, थ्री बनेगी। अब आपको क्या करना है, मैंने जो डायरेक्शंस अपन लेते हैं अज्यूम करते हैं, ऑलवेज वी अज्यूम द डायरेक्शंस आर क्लॉकवाइज। मैं हमेशा डायरेक्शंस क्या लेता हूँ, क्लॉकवाइज लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ली फर्स्ट मेज की आई वन, सेकेंड मेज, ध्यान से समझना है, ज्यादा बिल्कुल सुनना है ध्यान से, समझना है ध्यान से, फिर अपन को एक बार पैटर्न बन गया, फिर मेज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेज के लिए। तो ये थ्री मेज पे मैंने थ्री डायरेक्शन दे दी, आई वन आई टू एंड आई थ्री। अब ये थ्री डायरेक्शन की ब्याप पे मुझे क्या करना है, हमारा टारगेट है मेज इक्वेशन को फॉर्म करना। तो मैच इक्वेशंस फॉर्म करेंगे तो अपन क्या करेंगे, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लो इन मैच फर्स्ट, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लो इन मैच फर्स्ट। मैच फर्स्ट पर अपन किरचॉफ्स वोल्टेज लो अप्लाई करेंगे। तो नाउ देखो यहाँ पे अगर अपन मैच वन की बात करें तो मैच वन में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, मैच वन में करंट फ्लो कर रहा है आपका आई वन, इन द मैच वन करंट फ्लो इज आई वन। तो इनकी डायरेक्शन लेते हैं अपन, तो मेस वन की डायरेक्शन लेता हूँ। देखो 20 वोल्ट की बैटरी है जो पॉजिटिव से लीव कर रहा है, फिर अपन ने लिया 5 ओम का रेजिस्टेंस, प्लस माइनस 5 ओम का रेजिस्टेंस, अगेन प्लस माइनस 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये मेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी इक्वेशन अगर अपन बनाते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, 20 देन माइनस का 5 I1, अगेन माइनस का 5 I1, मेस कंप्लीट। अब देखना है कि इस मेस में कोई दूसरा मेस का कोई लिंक है, तो डेफिनेटली आपके पास जो I2 जो करंट है जो मेस 2 का है, मेस 2 में 5 ओम रेजिस्टर जो है एक वो I1 और I2 दोनों से लिंक कर रहा है, मतलब मेस सेकंड का I2 5 ओम रेजिस्टर से लिंक कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, प्लस का 5 I2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ आफ्टर सोल्व वैल्यूज क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस का 10 I1, माइनस का 5 I2 इज इक्वल्स टू 20। 5 कॉमन निकाल लेते हैं, आफ्टर टू 5 कॉमन एंड कैंसिल आउट, 2 I1 माइनस का I2 इक्वल्स टू 4। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को, एनीवन? नो सर। ओके नाउ आफ्टर देन वी मूव टुवर्ड्स द मेज सेकेंड। अब मेज सेकेंड पे मूव करते हैं, मेज सेकेंड के लिए डायरेक्शंस या साइंस लेते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, मान लो 10 ओम से, तो 10 ओम से स्टार्ट किया तो प्लस माइनस, अगेन प्लस माइनस, अगेन प्लस और माइनस। तो ये अपन ने साइंस ले लिए, करंट्स के इक्वेशंस लिखते हैं, अप्लाई किचो वोल्टेज इन मेज टू, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लो इन मेज टू, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लो इन मेज सेकेंड। जब मैं मेज टू पर किरचॉफ्स वोल्टेज लो अप्लाई करूंगा तो इक्वेशंस क्या बनती है, ध्यान से सुनना,
माइनस का 10i2 माइनस का 10i2 माइनस का 5i2 माइनस का 5i2 देन अब देखना है लिंक कि इस मेस से कौन कौन सी ब्रांच या कौन कौन से मेस लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है मेस 2 से मेस 1 भी लिंक कर रहा है और मेस 3rd भी लिंक कर रहा है। मेस 1 पे अगर अपन मूव करते हैं तो देख रहे हैं कि 5 ओम का रजिस्टर जो है उसमें I1 भी फ्लो कर रहा है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो वी राइट प्लस का 5i1 एंड आल्सो 5 ओम रजिस्टर से ही आपका I3 भी फ्लो कर रहा है। जो मेस 2 का जो 5 ओम रजिस्टर है उससे आपका एक I3 भी फ्लो कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ I2 I2 से अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5i3 इक्वल्स टू 0। अब इसकी अगर अपन इक्वेशन सिंपलीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस का 5i1 माइनस का 20i2 प्लस का 5i3 इक्वल्स टू 0। अब 5 कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा आपके पास, I1 माइनस का 4i2 प्लस का I3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेस 3rd। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, मेस सेकंड इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेस 3rd, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बाकी आराम से समझो। मेस 3rd अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेस 3rd। अब जब हम मेस 3rd पे मूव कर रहे हैं, साइन ले लेता हूँ ये वाले कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 वोल्ट की बैटरी है नेगेटिव से लीव कर रहा है, फिर ये यहाँ प्लस माइनस एंड यहाँ पे भी प्लस एंड माइनस। चलो इक्वेशंस लिखते हैं तो स्टार्ट करते हैं अपन 10 वोल्ट की बैटरी से, नेगेटिव से लीव कर रहा है तो वैल्यू आएगी माइनस का 10, फिर जा रहा है 5 ओम में माइनस का 5i3, फिर जा रहा है 5 ओम में माइनस का 5i3। अब देखते हैं किसी का कोई लिंक है क्या, तो डेफिनेटली है, मेस 3rd से मेस 2nd लिंक कर रहा है और करंट फ्लो कर रहा है 5 ओम रजिस्टर से इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट है मतलब प्लस का 5i2 इक्वल्स टू 0। इसको जब अपन सिंपलीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी बेटा 5i2 माइनस का 10i3, वो नेगेटिव का 10 आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 5 को कॉमन कैंसिल एंड कैंसिल आउट करा तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी I2 माइनस का 2i3 इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 3rd। तो यहाँ पर हमने मेस इक्वेशन से मतलब जो आपके पास न्यूमेरिकल है वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया देर आर द 3 डिफरेंट मेसेस और हर मेस पर हमने 3 इक्वेशंस को फॉर्म्ड करा, फर्स्ट सेकेंड एंड 3rd। अब इससे पहले जो न्यूमेरिकल कर रहे थे वहाँ पे 2 इक्वेशंस बन रही थी और आपने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया और आपने उसको सोल्व कर लिया। हाँ जी सारणदीप जी बोलिए। सर ये माइनस 10 थोड़ा बताना सर, पहले वाले में तो प्लस का है वो 20। अरे बेटा प्लस का भी इसलिए है, वहाँ पे देखो आपके पास करंट की डायरेक्शन देखो, करंट कहाँ से लीव कर रहा है। भैया आप एक बार नोट करो यहाँ पे ये जो प्लस माइनस 20 ओम है वोल्ट है तो यहाँ पे जो करंट बेटा लीव कर रहा है वो ऐसे जा रहा है ना ऊपर अपवर्ड, वो कहाँ से लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ देखो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस 10 वोल्ट है और करंट कैसे लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है। क्लियर है? ओके सर। अच्छा और कोई डाउट किसी को कुछ भी पूछो भैया, एनी वन डाउट सर? अभी 20 वोल्ट तो लिख रखा है ना। हाँ सर, इसके नीचे जैसे 5 ओम का रेजिस्टेंस होता तो सर फिर कैसे डायरेक्शन लेते हैं भाई? कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टेंस चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, मान लो न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता था कि यहाँ पे आपने लगा दिया प्लस माइनस 20 वोल्ट और यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा है और यहाँ पे आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा के ऐसा भी सर्किट आ सकता है, तो भी मैं तो डायरेक्शन ये लूंगा क्लॉकवाइज, यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस माइनस।
ओके सर, थैंक यू सर। और कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे थ्री क्वेश्चंस फॉर्मड हो रही है। अब थ्री क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। और मुझे फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है करंट फ्लो थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर। अब 10 ओम रेजिस्टर से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, देखो सर्किट डायग्राम में 10 ओम से फ्लो हो रहा है I2। 10 ओम से आपका करंट फ्लो कर रहा है I2। I2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ये मेरा मेन टास्क है। पर कैसे करेंगे, थ्री क्वेश्चंस आर देयर, तो थ्री क्वेश्चंस होने के कारण हम यहाँ पे लगाएंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स मैंने आपको कहा था कि जब आप मेस एनालिसिस के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगी, तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स लगाना है। क्या करना है, मैट्रिक्स लगाना है। अब मैट्रिक्स सीखना है तो मैट्रिक्स को आप जो आपको अच्छा लगता है मेथड, जो आपके लिए सुटेबल है, उस मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। तो देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इनको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो कैसे बनती है मैट्रिक्स, ये आप लोगों ने 12th में सीखा हुआ है। यहाँ पे आपके कॉन्स्टेंट वेरिएबल एंड फाइनल वैल्यूज। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं 2i1, फिर माइनस का I2 और I3 है नहीं तो जीरो, वैल्यूज क्या है 4, सॉरी यहाँ 4 तो नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका I1, I2 वेरिएबल्स एंड I3। ओके सेकेंड इक्वेशन देखो I1 माइनस का 4i2 प्लस का I3 जीरो, फिर I2 माइनस का 2i3 एंड फाइनल वैल्यूज आ गया आपके पास 4, 0 एंड 2। ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म्ड बन गया फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से। अब इन मैट्रिक्स को आपको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए आपको जो मेथड आपके लिए अच्छा लगता है, जिसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, उससे कर सकते हैं। क्या, या तो आप इनवर्स मैट्रिक्स निकाल के सोल्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के, या आप कर सकते हैं क्रेमर रूल लगाकर। मैं यूज में लेता हूँ क्रेमर रूल्स, सबको अपना है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है बेटा कि आपको इस चीज से करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं। क्रेमर रूल से आपका डायरेक्ट निकलता है। तो देखो मैं अगर रख रहता हूँ बाय क्रेमर रूल, बाय यूजिंग क्रेमर रूल, By using the Cramer's rules. तो Cramer rules क्या बोलता है? आपको डायरेक्ट आपका वेरिएबल कैलकुलेट होता है। जैसे I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो Cramer rule क्या बोलता है? I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वैल्यू होती है डेल 1 अपॉन डेल। I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो क्या करते हो आप? डेल 2 अपॉन डेल। ये भी आपने पढ़ रखा है 12th क्लास में। और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करते हैं अपन? डेल 3 अपॉन डेल। राइट और रॉन्ग? This is my Cramer rule. It's my Cramer rule. अगर मुझे यहाँ पर find करना है current flow through the 10 ohm resistor, और 10 ohm से मैंने भी circuit में देखा था कि 10 ohm से I2 current flow कर रहा है, 10 ohm resistor से आपके पास I2 की value current flow कर रहा है। I2 तो मैं direct I2 की value calculate कर सकता हूँ यहाँ से। I2 equals to क्या हो जाएगा? I2 की वैल्यू जाएगी आपके पास डेल 2 अपॉन डेल। और डेल 2 की वैल्यू क्या होगी? डेल 2 की वैल्यू की डिटरमिनेंट ऑफ डेल 2 मैट्रिक्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ मैन मैट्रिक्स। तो मैन मैट्रिक्स तो क्या है आपके पास? सामने है 2 2 1 जीरो। भैया मैट्रिक्स तो आपको ही सोल्व करनी है, माइनस 1 क्योंकि अपना ऐसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग बड़ा सिंपल है, मेन तो है आपके इक्वेशंस फॉर्म करना, मैट्रिक्स सोल्व करनी तो आपको आती है। अब डेल 2 की बात करेंगे तो क्या करना है कि डेल 2 के लिए आपके पास जो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम की जगह क्या जाएगी आपके पास? जो फाइनल आपके पास वेरिएबल की वैल्यूज है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1 0 फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम एज इट इज 2 0 1 -2 एंड जो सेकेंड कॉलम उसकी जगह क्या जाएगा 4 0 एंड 2। ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं।
चलो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है, सारे जने लग जाओ लाइन पे और फास्ट कैलकुलेट करो इसकी वैल्यूज क्या आ रही है। सर सर इक्वेशन वन में आई वन निकाल दे और इक्वेशन थ्री में आई थ्री और दोनों को सर टू में पुट कर दे तो। हाँ आप जैसे चाहो, अगर आप चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो जैसा आप बोल रहे हो कि सर आई थर्ड इक्वेशन से आई थ्री की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दोगे। यस सर। और फिर वो आई वन आई टू की इक्वेशन बन जाएगी और टू इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से सोल्व करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पर बेटा इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में ओनली टू टू वेरिएबल्स दिख रहे हैं, इसलिए अगर मान लो फर्स्ट में भी थ्री वेरिएबल होते आई वन आई टू आई थ्री और थर्ड में भी होते आई वन आई टू आई थ्री तब क्या करते। हाँ सर, तो वहाँ पे तो करना पड़ेगा। तो मैंने आपको मैसेज ये बोला है, आपको एक ही मेथड से करना है, ज्यादा नहीं करना, एक मेथड पकड़ो सारे क्वेश्चन सोल्व। अलग अलग मेथड पकड़ोगे तो बेटा प्रॉब्लम में आ जाओगे। एक मेथड चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल हो, अलग अलग न्यूमेरिकल में बुक्स में अलग अलग तरीके से मिलेगा, बट आपको एक पैटर्न पकड़ना है, सारे न्यूमेरिकल उस पैटर्न से सोल्व हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। बिल्कुल सही है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.33। एक मिनट में इसको थोड़ा सा ब्रूट कर देता हूँ वापस से। हाँ तो वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 0.33। यस सर। तो 0.33 एम्पियर आपके पास यहाँ पे I2 की वैल्यू आ रही है। तो अपन लिख सकते हैं फाइनल आंसर, हेंस द करंट फ्लो थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर इज 0.33 एम्पियर। हेंस द करंट फ्लो, हेंस द करंट फ्लो, हेंस द करंट फ्लो थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, हेंस द करंट फ्लो थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर इक्वल्स टू 0.33 एम्पियर। और ये आपका हो गया आंसर। तो आई थिंक इस वाले न्यूमेरिकल में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर और इसको नोडल एनालिसिस से करना होगा तो? बिल्कुल, मैंने ये नोडल एनालिसिस से इस न्यूमेरिकल को करवा रखा है। सर तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है इसका, इस टाइप का नहीं, ये क्वेश्चन है सर वो असाइनमेंट में। हाँ बोलो सर, असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, तो प्रॉब्लम हो रहा है सर उसमें, नोडल से आ रहा है सर 1.6 आ रहा है और मेश एनालिसिस से किया तो 0.5 आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, आंसर यही आएगा। तो वही सर, सर नोडल से एक बार बता देते आप इस वाले कोई। हाँ सर, इसी को बता दो। चलो मान लो अगर इसको नोडल से करना है, चलो मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ इसको नोडल से अप्लाई। तो हाउ मेनी नोड्स आर देयर? 3 4 नोड्स और 3 होगा सर। 3 सर, ये 4 किसने बोला? गलत बोला, जिसने बोला गलत बोला भैया। प्लस माइनस 20 वोल्ट, प्लस माइनस 10 वोल्ट, 5 ओम 10 ओम इक्वेशंस बना दो, उसके बाद तो कर लोगे बेटा सोल्व। यस सर। ये लो 5 ओम। हाउ मेनी नोड्स आर देयर? 3 नोड्स आर देयर। हाउ मेनी नोड्स आर देयर? 3 नोड्स, नोड 1 ए, नोड बी and this is my reference node, node B and this is my reference node which value is 0. Now अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे KVL KCL apply करने की at node A। हाँ जी गौरव बोलो। सर ये method समझ में नहीं आया, ये कौन जी? कौन सा? ये सर ये Cramer method। Cramer method बेटा 12 में नहीं पढ़ा आपने? समझ नहीं आया सर। क्रेमर क्या बोलता है कि आपके पास आप डायरेक्ट ये जो वेरिएबल्स है ना इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इन वेरिएबल्स की वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू कैसे?
आई वन की वैल्यू होती है डेल वन अपॉन डेल, डेल क्या है डिटर्मिनेंट, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसका मुझे पता नहीं है, बट डेल वन होता है डिटर्मिनेंट। जैसे आप इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं ना किसी मैट्रिक्स की एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो आई वन क्या हो जाएगा डेल वन अपॉन डेल। अब डेल वन में क्या करोगे फर्स्ट वाली कॉलम को हटा दोगे और इसकी जगह पे आप इस वाली वैल्यू को पुट कर दोगे, तो वो गया डेल वन अपॉन डेल आपकी फर्स्ट मेन मैट्रिक्स। डेल टू क्या होगा आप सेकेंड वाली, आप क्या करेंगे जो सेकेंड आपके पास जो वो है कॉलम उसको आप हटाएंगे और फाइनल वैल्यू को पुट कर देंगे जो आपका मेन फाइनल वैल्यू आती है। इस तरह से आप क्रेमर रूल अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट सोल्व करते हैं। इसको एक बार देखना बड़ा, ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था आपके 12th क्लास में और था भी डेफिनेटली मैथ्स में होगा। तो ट्राइवियल सॉल्यूशन नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होता है? क्या ट्राइवियल सॉल्यूशन नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन क्रेमर्स रूल में था बेटा? क्रेमर रूल में वो मैथमेटिक्स वाले टीचर से पूछता बेटा, इतना मुझे नहीं पता, मैथ्स नहीं पढ़ाता मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता। सॉरी सर। ओके अब देखो एट नोड वन यहाँ पे हो गया आपके पास करंट, तीन करंट, तो वैल्यूज क्या हो जाएगी आपके पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा वी ए माइनस 20 अपॉन 5 वी अपॉन 5 प्लस वी ए माइनस वी बी अपॉन 10। एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन जाएगी इक्वल्स टू 0। और सेकंड इक्वेशन बी पे अगर अपन अप्लाई करते हैं एट नोड बी, तो बी नोड पे क्या हो जाएगा बेटा आपका वी बी माइनस वी ए अपॉन 10 वी बी अपॉन 5 प्लस वी बी माइनस 10 अपॉन 5। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो बेटा, आपके पास ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी। आप चेक करना ए की वैल्यू हाई है बी की वैल्यू हाई है, आपको यहाँ से क्या करना है फिर आपको वी ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर चेक करना है किसकी वैल्यू हाई है, उस अकॉर्डिंग आपके पास आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी वी ए माइनस वी बी अपॉन 10। और अगर बी की वैल्यू हाई है तो वी बी माइनस वी अपॉन 10 हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। ये 10 ओम रेजिस्टेंस। चलो तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हो गया है? यस सर। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो एक और मैंने आज का टारगेट था उसकी तरफ, तो यहाँ देखो। हाँ जी जयप्रकाश द्विवेदी जी बोलिए। सर अगर रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के नीचे लगाओ तब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस सीरीज में तो है ना। हाँ जो आपने फिफ्थ क्वेश्चन दिया था ना असाइनमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल सेम फॉलो रहेगा। मतलब VA माइनस 20 वोल्ट अपॉन अपॉन 5। ठीक है सर, उसे डायरेक्ट हम नहीं कर सकते यहाँ पर, जैसे 20 वोल्ट का करंट है तो ये पॉइंट भी 20 वोल्ट का होगा, ये भी पॉइंट। नहीं 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 नहीं, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप तो होएगा ना। लेकिन नहीं सर, रेजिस्टेंस नीचे है ना उन दोनों सोर्स के पास। अरे करंट तो फ्लो कर बेटा, असाइनमेंट में एक बार फिफ्थ क्वेश्चन देखना। अरे मेरी बात सुन बेटा, दिए तो मैंने ना, अगर आपका मान के चलो आप जो बोल रहे हो वो ये है आपके पास, और मेरे को पढ़ाने नहीं दोगे आगे आप। मान लो आपका क्वेश्चन डाउट ये है कि यहाँ पे सर इस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पे 5 ओम का रजिस्टर है, और आप चाहते हैं कि सर हम इस नोड की वैल्यू को डायरेक्ट 20 लिख दें, यही कह रहे हो ना आप? यही कह रहे हैं ना? कैसे लिख सकते हैं ये एक बार बताओ, कैसे लिख सकते हो? इस वाले में यदि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा तब लिखोगे। अब यहाँ करंट फ्लो करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। मतलब जो ए वाला नोड है उसकी वैल्यू 20 नहीं होगी है ना? नहीं होगी, क्योंकि ये जो ए है वो रेफरेंस की रेस्पेक्ट में वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, रेफरेंस की रेस्पेक्ट में करता है, रेफरेंस से मेजर करता है। अगर यहाँ पे आपका 5 ओम नहीं होता तो क्या होता कि डायरेक्ट इस वाले नोड से आपके पास सिर्फ बैटरी कनेक्टेड है
और कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाती, पर 5 ओम है मतलब कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। यस सर। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये जो करता है ये रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मेजर करता है हमेशा वैल्यू, अदर नहीं करेगा। अगर सर ये 5 ओम रेजिस्टर को अगर वोल्टेज के ऊपर लगा के सॉल्व करे तो हो जाएगा बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी लगाओ, सीरीज में लगना चाहिए। ओके सर, चलो आगे बढ़े। सर फिफ्थ क्वेश्चन असाइनमेंट में गलत करके भेज दिया आपको, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, असाइनमेंट कॉपी जब तुम आओगे ना तब चेक करेंगे। अब रुक जाओ, मेरे को पढ़ाने दो। यस सर। आ जाओ। अब ये जो न्यूमेरिकल है, अब टाइम शॉर्टेज के कारण बेटा जितना हो सकता है उतना मैं कराऊंगा, बाकी आप लोगों का टारगेट है इस न्यूमेरिकल को पूरा कंप्लीट करने का। कल इस न्यूमेरिकल को अपन देखेंगे भैया किसका आंसर सही आ रहा है किसका गलत आ रहा है। क्या बोल रहा है किशन? फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग द मेस एनालिसिस। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग द मेस एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ देखो इस न्यूमेरिकल में कितनी मेस आपको दिख रही है, मतलब जैसे मुझे यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है अगर ये कैलकुलेट हो जाए, 12 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये कैलकुलेट अगर हो जाता है तो मल्टीप्लाई करूंगा 12 से और वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास ऑब्टेंड हो जाएगी। बट यहाँ पे इशू एक आ गया कि यहाँ पे 4 मेस है और 4 मेस में मैट्रिक्स फॉर्म करके सोल्व करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि 4x4 का आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक अपनानी है जो मैंने आपको सिखाया था, सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन याद आ रहा होगा तो अपन यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन, बाय यूजिंग करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन। अब मैंने आप लोगों को बताया था यदि करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन कब होगा, कंडीशन क्या थी, इफ एक रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द करंट सोर्स। यदि एक रजिस्टर किसी करंट सोर्स के पैरेलल है तो हम उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर दिख रहा है पैरेलल में, तो हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया तो सर्किट क्या बन जाएगा आपका, सिंपल 4 ओम का रजिस्टर फोर ओम, एट ओम, टू ओम, 12 ओम एंड 3 ओम रजिस्टर इन सीरीज विथ ए वोल्टेज सोर्स। इन सीरीज विथ ए वोल्टेज सोर्स 12 ओम रजिस्टर इन सीरीज विथ अ वोल्टेज सोर्स, हाउ मेनी वैल्यूज दिस वोल्टेज सोर्स, 8 3 24 वोल्ट का आपका वोल्टेज सोर्स फॉर्म हो जाएगा। ये कन्वर्जन मैंने आपको सिखा रखा है, क्लियर है सर? हाँ जी बोलो सर। ये जो 8 एम्पीयर का ये जो करंट सोर्स है इसके आगे अगर मान लो एक सीरीज के अंदर भी रेजिस्टर लगा होता तब कन्वर्ट कर सकते। एक मिनट, मतलब आप कहना चाहते हो कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा रहता इस जगह पे, इस तरह से नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते। ओके सर। ओके चलो, उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि कंडीशंस थी, मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट होगा यदि सीरीज में रेजिस्टेंस है, और करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होगा जब पैरेलल में है। अब देखो यहाँ पे कितनी बाय यूजिंग द करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन सर्किट हो गया। नाउ हाउ मेनी मेस आर देयर, अब कितनी मेस आपको विजिबल है? 3। अब आपके पास यहाँ पे कितनी मेस है? 3 है, तो 3 मेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ मेस, टोटल नंबर ऑफ मेस 3
थ्री पर है तो मेरा अब्सॉर्प्शन डायरेक्शंस आर क्लॉकवाइज, मैं मिस्टर डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेता हूँ। आप ये कंपलसरी नहीं है कि कौन सा आपने फर्स्ट सर आपने आई वन यहाँ पे क्यों लिखा, ये मेरा अब्सॉर्प्शन है। आप किसी पे भी किसी को भी मेज वन मेज टू मेज थ्री शो कर सकते हैं। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इसको आई वन, आप जरूरी नहीं है इसको आई वन लें, ये मैं ले रहा हूँ आई टू, कंपलसरी नहीं है आप इसको आई टू लें, और ये हो गया मेरा आई थ्री, जरूरी नहीं आप इसको आई थ्री लें। आप किसी को भी आई वन आई टू आई थ्री ले सकते हैं। अब हम क्या करना है, मेरा टारगेट हो गया वोल्टेज ड्रॉप 12 ओम से फाइंड करना है, और 12 ओम से फाइंड करने के लिए मेरे को आई टू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है इन एनी हाउ। अप्लाई करेंगे मेस एनालिसिस, मेस एनालिसिस तो मैं एक की अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज हो रही है, एक मेस में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, बाकी को आपको खुद को करके ट्राई करना है, अगर हो जाता है तो बढ़िया है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेस फर्स्ट, अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेस वन। अगर मैंने मेस वन पे किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूँ तो डायरेक्शंस क्या रहेगी, साइन क्या लेंगे, साइन ले लेते हैं, वोल्टेज सोर्स से तो निकल रहा है, फिर 3 ओम रेजिस्टेंस में, फिर 4 ओम रेजिस्टर में, फिर 2 ओम रेजिस्टर में, ये मैंने साइंस कन्वेंशन ले लिया। आफ्टर देन अप्लाई 24 वोल्ट, फिर गया फिर 3 ओम रेजिस्टर से तो माइनस का 3i1, फिर जा रहा है 4 ओम रेजिस्टर में माइनस का 4i1, फिर जा रहा है 2 ओम रेजिस्टर में माइनस का 2i1। अब देखना है किसी के साथ लिंक है, डेफिनेटली है, 4 ओम रेजिस्टर जो है वो i3 से लिंक कर रहा है और 2 ओम रेजिस्टर i2 से लिंक कर रहा है, एंड वी ऑब्जर्व दोनों की डायरेक्शन i1 से अपोजिट है। i2 देखो 2 ओम रेजिस्टर से लिंक कर रहा है, i2 जो है वो 2 ओम रेजिस्टर से लिंक कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, i1 डाउनवर्ड i2 अपवर्ड, तो यहां आ जाएगी वैल्यू प्लस का 2i2। i3 को देखो अपोजिट डायरेक्शन i1 की और 4 ओम से लिंक कर रहा है तो प्लस का 4i3 इक्वल्स टू 0। क्या बन जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 4 3 7 8 9, तो 9i1 माइनस का 2i2, मैं इक्वल्स टू को उधर लेके चला गया सारी चीजें, माइनस का 4i3 इक्वल्स टू 24, ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से आपको सेकंड करनी है, इसी तरह से आपको थर्ड पे अप्लाई करना है, ट्राई करना है, अगर हो जाता है तो वेरी गुड, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, कल अपन इसको कंटिन्यू कर लेंगे, बट एक बार ट्राई करना है और i2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके सर। हाँ जी हेलो सर, प्लस 2i2 कैसे आया है, ये प्लस 2i2 कैसे आया है, यहाँ देखो i2 को, इस i2 पे देखो i1 जा रहा है डाउनवर्ड में, i2 आ रहा है अपवर्ड में, अपोजिट डायरेक्शन है ना। यस सर। i2 जो करंट है वो कहाँ से लीव कर रहा है, पॉजिटिव से कर रहा है, देखो मेस बंद के पॉजिटिव से लीव कर रहा है, इसलिए प्लस का i2 आ गया। यस सर आ गया। 4 ओम को देखो, ये मैंने करवाया यार, ये ऐसी चीजें पूछते हो जो कल भी करवाया परसों भी करवाया, बिल्कुल सिंपल चीजें हो गया। अबे बोलो भाई, अबे बोलो सर, एक और कन्वर्जन वाला वापस बताना ना। सोर्स कन्वर्जन वाला वापस बताऊं, सोर्स कन्वर्जन क्या होता है, करंट सोर्स को मुझे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, वी कन्वर्ट द करंट सोर्स इनटू द वोल्टेज सोर्स। अब करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कैसे करता है, मैंने आपको सिखाया था, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे